हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल माय नेम इज डॉक्टर संशय आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहाँ पे हमारा मोटिव है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स और वहाँ पे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है वहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं टॉपिक्स तो वही रहते हैं बट यस yes, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है बट एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा दैट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट तो अभी तक हम 2013 से लेके 17 तक डिस्कस कर चुके हैं पेपर आई होप यू हैव वॉच द वीडियोस इफ नॉट प्लीज डू विजिट द चैनल सब्सक्राइब करें एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस सो अब हम पहुंच चुके हैं 2018 के पेपर में और ये है आपका पार्ट 1 दिस विल भी फॉलोड बाई दबसिक्वेंट पार्ट एंड टू थाउजेंड एटीन का जो पेपर था उसमें अराउंड ट्वेंटी पूछे गए थे मैक्सिमम क्वेश्चन और द लेवल ऑफ द क्वेश्चन वॉज काइंड ऑफ मोर टूवर्ड्स द सो यहाँ से बेंच मार्क आपका अपर सेट किया गया टू थाउजेंड एटीन ऑनवर्ड्स स्टार्ट विदर्स्ट क्वेश्चन विद रेफर टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया स्थानक वासी सेक्ट बिलोंग टू देखिए हमने 2013 थाउजेंड थर्टीन एंड सेवनटीन में डिस्कस किया था हमने ये एक एनालाइज करके निकाला रिजल्ट इन्फ्रेंस निकाला दैट वेरी इंपॉर्टेंट और वहां से जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है अब डिफिकल्ट होता जा रहा है पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते थे दैट द लाइफ ऑफ बुद्धा द सिंबल एंड सो ऑन बट नाउ द क्वेश्चन लेवल इज वेरी डिफिकल्ट तो उसी तरह आपका एक क्वेश्चन पूछा गया सेक्ट से अभी तक हमने सुना है जैनिज्म में यू हैव श्वेतांबर्स दिगंबर्स में हमने सुना महायान वज्रयान हमने स्थानकवासी कभी वासी कभी नहीं सुना तो यहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन था द राइट आंसर इज जैनिज्म सो द स्थानकसी सेक्ट बिलोंग्स टू प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बट द डिफिकल्ट क्वेश्चन द रूटीन बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो यहाँ पे आपका कल्चर आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया है और स्पेशली आर्किटेक्चर बिल्डिंग फेमस बिल्डिंग्स से क्वेश्चन पूछा गया है व्हाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड कनखा एट फतेहपुर सीकरी आपका जो बुलंद दरवाजा है और कनखा है फतेहपुर सीकरी में उसमें आपका वाइट मार्बल को यूज किया गया है दूसरा रेड स्टैंड स्टोन एंड मार्बल वर इन मेकिंग इलाम इमामबाड़ा बड़ा एंड योर रूमी दरवाजा एट लखनऊ ये जो इमाम बाड़ा है रूमी दरवाजा है लखनऊ में उसमें आपका रेड सैंडस्टोन और मार्बल का यूज किया गया है तो वेरी टिपिकल क्वेश्चन वी कैन मिस आउट सच डिटेल्स बट एटलीस्ट हमें इस पेपर से ये पता चल गया है दैट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए सो so, यहाँ पे आंसर आपको बता दूं दैट नाइदर वन नॉट टू आपका दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं नाइदर वन नॉट टू अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दिस इज द बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है जो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सैंड देखने को मिल रहा है <coughs> सॉरी सैंडस्टोन देखने को मिल रहा है बट दैट इज टिपिकली योर रेड सैंडस्टोन अब यहाँ पे वाइट मार्बल यूज हुआ नहीं हुआ अब देख के तो पता नहीं लग सकता बट ये बहुत सारे सोर्सेज पे व्हाइट मार्बल बोला गया है यूज किया गया है बट ऑफिशियल की ये बोलता है उसने यही कंसिडर किया है जो बुलंद दरवाजा है और कनखा है फतेहपुर सीकरी में वहां पे आपका व्हाइट मार्बल को नहीं यूज किया गया है सो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग दूसरी तरफ लखनऊ बिल्डिंग्स और यहां पर आप देख सकते हैं नो मार्बल एंड सोन रेड सैंडस्टोन बट सिंपली ब्रिक्स एंड योर आपका मोटर है उसको यूज किया गया है सो यू कैन गैस यू कैन जस्ट एनालाइज कितना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा so, का जो का पेपर था दैट वॉज ऑन अल्ट साइड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफर टू इंडियन हिस्ट्री हू मंगोइंग वर्ल्ड फिर अगेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा फ्यूचर बुद्धा कहलाएगा जो वर्ल्ड को सेव करने के लिए आएगा तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं अवलोकितेश्वरा लोकेश्वरा मैत्र एंड पदम पानी सो यहां पे फैक्ट so बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है दैट मैत्र इज द फ्यूचर बुद्धा दैट जो आएंगे लोगों को एनलाइटमेंट के लिए सही पाथ दिखाने के लिए वो जन्म लेंगे बट ही इज अ फ्यूचर बुद्धा नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर पेयर क्राफ्ट वर्सिज हेरिटेज ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ आपका क्राफ्ट फॉर्म है और दूसरी तरफ आपका यू हैव गॉट द स्टेट एसोसिएटेड स्टेट तो यहां पे पहला क्राफ्ट है पुटकुल्ली शॉल्स तमिलनाडु सूजनी एम्ब्रॉयडरी आपका महाराष्ट्र उपड़ा जामदनी सा कर्नाटका तो ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है दैट एक तरफ आपको आर्ट एंड क्राफ्ट दिया जाएगा दूसरी तरफ किस स्टेट से वो बिलोंग करता है इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे द राइट आंसर जो राइट पेयर है करेक्टली मैच है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेयर है दैट इज द दुटकुल्ली शॉल्स तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं सो यू कैन सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ शॉल और ये जो तमिलनाडु में टोडा कम्युनिटी है वो नेट उनका ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट है उसके बाद सूजनी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे करेक्ट इन करेक्टली मैच है बिकॉज द सूजनी एम्ब्रॉयडरी बिलोंग्स टू बिहार एंड थर्ड वन इज योर दिस उपड़ा जामदानी सारीज दैट बिलोंग्स टू योर आंध्र प्रदेश तो आपको हिंट मिला है वैसे तो बहुत टफ क्वेश्चन है बिकॉज ये सब क्या है जी आई इनको सबको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है तो देर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडिया से जिनको जी आई टैग मिला है अब आप सारी तो याद नहीं कर सकते बट वट यू कैन डूज जो करंट अफेयर में न्यूज में रहे कहीं ना कहीं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या किसी नए क्राफ्ट को आपका जी आई टैग दिया गया है so that, duty, तो दैट दैट्स योर ड्यूटी आप उसको याद कर लें सो दैट जी आई टैग से प्रॉबेबल क्वेश्चन बनता है

चाहे वो फतेहपुर सीकरी में बिल्डिंग्स थी चाहे वो लखनऊ में बिल्डिंग्स थी वहां से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए द कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कब बनाया गया था किसने बनाया एंड वट वॉज द इवेंट सो स्पेशल कि उसको एक बिल्डिंग बनाना पड़ा नेक्स्ट है आर्ट फॉर्म अभी हमने देखा लेटेस्ट क्वेश्चन था एक तरफ क्राफ्ट फॉर्म था साथ ही साथ उसके सामने आपको दिया गया था एसोसिएटेड स्टेट सो ये था आपका 2018 का पार्ट वन एंड दिस विल बी फॉलोड बाय पार्ट टू द दबसिक्वेंट पार्ट्स और यहाँ पे 2018 में टोटल 21 क्वेश्चंस पूछे गए थे सो so, 2018 को हम कवर करेंगे सो आई होप यू हैव गॉट एन अंडरस्टैंडिंग किस तरह तो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लीज डू वॉच द प्रीवियस वीडियोज एज वेल सो थैंक्स थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम द चैनल थैंक यू